ज्यामितीय प्रमेयों और परिणामों के बारे में अध्ययन करते हैं। आज हम एक प्रमेय प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म द्वारा बने शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं का चित्रीय निरूपण समझने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास रेखा L और रेखा T प्रतिच्छेदी रेखाओं का एकम युग्म बनाती है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब चार कोण बनते हैं। हमने इन कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 नाम दिए हैं। यहाँ कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म निरूपित करते हैं। कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोणों का अन्य युग्म निरूपित करते हैं। हमें संबंध खोजना है कि कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4 के बीच में। आइए शीर्षाभिमुख कोणों के पहले युग्म कोण 1 और कोण 3 को लें। हमने कोण 1 और कोण 3 की प्रतिलिपियां ले ली हैं। अब हम कोण 1 और कोण 3 के बीच में संबंध देखेंगे। हम देखते हैं कि जब हम कोण 1 और कोण 3 पर रखते हैं तो कोण 1 कोण 3 के साथ संपाती हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोण 1 के माप कोण 3 के माप के बराबर है। इससे प्रदर्शित होता है कि दोनों कोण बराबर हैं। अब हम इनकी स्थितियों को परस्पर बदलेंगे। जब कोण 3 को कोण 1 पर रखते हैं तो हम देखते हैं कोण 1 कोण 3 के बराबर है। जब हम कोण 1 को कोण 3 पर रखते हैं तो देखते हैं कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है। इसका अर्थ है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। अब हम इस परिणाम का शीर्षाभिमुख कोणों कोण 2 और कोण 4 के दूसरे युग्म के लिए सत्यापन करेंगे। यह कोण 2 की प्रतिलिपि है, यह कोण 4 की प्रतिलिपि है। हम देखते हैं कि जब हम कोण 2 को कोण 4 पर रखते हैं तो कोण 2 कोण 4 को पूर्णतः ढक लेता है। इसका अर्थ है कि कोण 2 की माप कोण 4 की माप के बराबर है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। प्यारे साथियों, आप स्वयं प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अन्य युग्म लेकर इस परिणाम का सत्यापन कर सकते हैं। हमने कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 की प्रतिलिपियां बना ली हैं। हम देख सकते हैं कि जब कोण 5 को कोण 7 पर रखते हैं तो यह उसे पूर्णतः ढक लेता है, जिसका अर्थ है कि कोण 5 कोण 7 के बराबर है। इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। अब आप स्वयं इसका सत्यापन करें कि शीर्षाभिमुख कोणों के दूसरे युग्म के कोण भी बराबर हैं, अर्थात कोण 6 कोण 8 के बराबर है। इस प्रकार हमने सत्यापन कर लिया है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर होते हैं। धन्यवाद।